अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ चाकोबार आइसक्रीम। इस सिंपल वे में बना रही हूँ ना, इसे बनाने के लिए हमें मोल्ड चाहिए और ना ही कोई क्रीम वगैरह चाहिए। बहुत ही सिंपल एंड ईजी इन्ग्रीडियंट से बना रही हूँ। बस 2 से 3 इन्ग्रीडियंट की ज़रूरत पड़ेगी इसे बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें इस तरीके से पैकेट्स ले लेना है ओरियो बिस्किट के। मैं यहाँ पे 10 रुपीस वाला पैकेट ली हूँ, 2 वेनिला फ्लेवर ली हूँ एंड 2 चॉकलेट। तो हमें इसी में ही बनाना है आइसक्रीम को। तो आप केयरफुल्ली इसका कवर टेयर करिएगा, सिर्फ ऊपर से ओपनिंग हिस्से से आप कट कर लीजिएगा। तो गाइज, मैं यहाँ पे आप लोगों को इसके 2 तरीके बता रही हूँ आइसक्रीम बनाने के। एक तो ये इसको ग्राइंड करना है डायरेक्टली मिक्सर जार में डाल के, तो फिर इसे पीसेस में तोड़ लीजिएगा। तो मैं दूसरा पैकेट भी इसी तरीके से फाड़ के डाल दे रही हूँ। तो गाइज, ये बिस्किट के भी आपको इस तरीके से बाइट्स तोड़ लीजिएगा पीसेस में छोटे छोटे टुकड़े करके। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध। दूध में 1 पैकेट के लिए 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप शुगर और भी ऐड कर सकते हो। तो मैं दूध इतना ऐड करूँगी इसमें कि अगर आप 2 बिस्किट पैकेट ले रहे हो तो 1 पैकेट आपको दूध ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं 2 बिस्किट पैकेट में 1 बिस्किट पैकेट दूध ऐड कर ली हूँ। तो गाइज देखिए, मैं इसे ग्राइंड कर ली हूँ तो इस तरीके से कुछ दिखेगा ये। उसके बाद हमें इस तरीके से ग्लासेस ले लेना है। फिर हम इस पैकेट्स को ग्लास के अंदर रख देंगे। तो मैं यहाँ 3 पैकेट्स को सेट कर ली हूँ। जो और एक पैकेट था उसका भी मैं ग्राइंड करके इस तरीके से पेस्ट बना ली हूँ। जो 4th पैकेट है उसका हम कुछ और तरीके से बनाएंगे, तो वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो पैकेट्स में मैं यहाँ पे क्रीम डाल रही हूँ ये। तो गाइस पूरा फुल मत करिएगा इसे, आखिरी का छोटा हिस्सा छोड़ दीजिएगा। तो गाइस जो 4th पैकेट है उसका उसके अंदर जो एयर फिल हुआ हुआ है, आप इस तरीके से नीडल से प्रिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद उसका एयर जो है वो निकाल दीजिए। आप हाथ की मदद से या फिर इस तरीके से बेलन की मदद से इसे स्मैश कर दीजिएगा बिस्किट को। फिर आप उसके बाद हाथ से भी स्मैश कर लीजिए। फिर इस तरीके से डैप करते हुए आप सारे जो बिस्किट ऊपर की तरफ है उसे नीचे कर दीजिए। फिर आप खैंची से ऊपर के पार्ट को कट कर दीजिएगा। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, अच्छी तरीके से क्रश हो गया है ये बिस्किट। फिर इसे भी सेट कर दीजिएगा ग्लास के अंदर। और मैं इसमें दूध इतना डाल रही हूँ कि ये बिस्किट जो है फिल हो जाए इसके अंदर। देखिए इस तरीके से। तो
गाइज इस पॉइंट पे आपको आइसक्रीम स्टिक नहीं रखना है क्योंकि वो नहीं टिकेगा इसके अंदर, तो आपको 2 आवर्स के लिए इसे फ्रिज में रखना होगा। तो मैं इसे फ्रीजर में रख रही हूँ 2 आवर्स। तो गाइस 2 घंटे हो गए हैं, मैं इसे फ्रिज से निकाल दी हूँ, आइसक्रीम ऑलमोस्ट सेट हो गई है, तो अब मैं इसके अंदर स्टिक्स लगा दूंगी। तो गाइस स्टिक लगाने के बाद आपको एटलीस्ट 8 आवर्स के लिए इसे फ्रीजर में रखना होगा, या फिर आप नाइट में बना दीजिए तो ओवरनाइट रखिए अच्छा रहेगा, तो मैं ओवरनाइट रख रही हूँ। तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं इसकी कोटिंग की तैयारी कर रही हूँ गाइस। तो मैं ले ली हूँ डार्क चॉकलेट और इसे मेल्ट करने के लिए डबल बॉलर पे मेल्ट कर रही हूँ। तो नीचे एक पैन में पानी गर्म कर ली हूँ और इस तरीके से चॉकलेट बॉल मेल्ट कर लूँगी। मैं यहाँ पे डार्क चॉकलेट ली हूँ, आप चाहो तो डेयरी मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हो, या फिर वाइट या फिर डार्क चॉकलेट भी ले सकते हो। तो देखिए आपको इस तरीके से चम्मच हिलाते हुए आपको मेल्ट करना है, अगर आप चम्मच रोकोगे तो ये नीचे से जम सकती है चॉकलेट, तो इसे कंटिन्यूसली आप फिराते रहिएगा। तो गाइस इसे मेल्ट करने के लिए आपको टाइम लग जाएगा 5 to 8 मिनट्स का। बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है किचन में मेरे, एकदम से चॉकलेट चॉकलेट वाली। तो गाइस अच्छे से मेल्ट हो गई है मेरी चॉकलेट, तो फिर मैं इसमें कुछ नट्स डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पीनट्स ले ली हूँ, मूंगफली ले ली हूँ, इसे भूनकर इसका जो छिलका है वो निकाल दी हूँ और इसे थोड़ा सा क्रश कर ली हूँ, और जो चॉकलेट है वो इस तरीके से ग्लास में निकाल ली हूँ। तो अब मैं थोड़े से इसके अंदर ऐड कर दूँगी नट्स और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहो तो पीनट्स की जगह पे आलमंड्स भी ले सकते हो, या फिर पिस्ता भी ले सकते हो, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप ले सकते हो। मुझे यहाँ पे जो मूंगफली है उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा दिखता है चॉकलेट के साथ। तो गाइस देखिए इस तरीके से इसे कट कर लीजिएगा सीजर से, तो आप लोग देख सकते हो जो आइसक्रीम है वो अच्छे से जम गई है। देखिए ये जो मैं क्रश करके बनाई थी आइसक्रीम वो वाली है ये। फिर मैं इसे डिप कर रही हूँ चॉकलेट में। गाइस इसी तरीके से मैं तीनों आइसक्रीम रेडी कर ली हूँ, ये 4th आइसक्रीम है, तो सोची हूँ कि इसमें एक्स्ट्रा नटीज डाल दूँ। तो फिर मैं इसे डिप करी हूँ चॉकलेट में, तो इमीडिएटली इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ पीनट्स। तो इस तरीके से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जो एक्स्ट्रा नटी चॉकलेट हो या फिर आइसक्रीम हो। तो अब ये चॉकलेट सेट करने के लिए हमें रखना होगा फ्रिज में से एटलीस्ट फॉर 30 to 40 मिनट्स। तो गाइस देखिए 40 मिनट्स के बाद जो मेरा आइसक्रीम है चॉकोबार आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। मैं इसका एक बाइट लेकर आपको दिखा रही हूँ, तो देखिए अच्छे से अंदर से भी सेट हो गई है ये, और ऊपर का जो चॉकलेट लेयर है वो भी सेट हो गई है। तो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरा रेसिपी और ये वीडियो कैसा लगा है। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मैं मिलूंगी अगले वीडियो पे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय बाय।